हेलो। हाँ बोलिए। नहीं, मेरे को अभी ना अपडेट आ रहा है जावा का अपना, तो नहीं अपडेट नहीं करने का सर, उसको उसको फिर लेटर से। करने अरे का, लेटर कीजिए लेटर। तेरे तो मैं करके बैठा हूँ। नहीं नहीं सर अपडेट कैंसिल करो, नहीं तो वो फिर से एरर आना चालू हो जाएगा, लॉग इन नहीं हो। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से जावा अनइंस्टॉल करना पड़ेगा और फिर इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैंने जो वर्जन दिया वही वर्जन, नहीं तो मैं बोलता था कोई भी जावा का वर्जन अपडेट कर लो। ओके ओके, तो मैं अभी क्या करूँ, उसको अनइंस्टॉल करूँ ना फिर से? अनइंस्टॉल करके नया वही जो मैंने डाउनलोड के लिए बोला है वहां से जाके वही वाला जावा का वर्जन डाउनलोड कीजिए। अभी जाइए मैडम ऑनलाइन पेमेंट स्टेटस में जाइए, आपको टेंडर आईडी पता है उसका? पता हाँ तो ठीक है, अभी वहां पे जाके आपको कहाँ पे मिलेगा, आपको क्या लगता है वो टेंडर का पैसा आया है या नहीं आया है? आया लगता है मुझे। आया है तो आपको, और वो काम आपको नहीं मिला होगा तो आपको क्या होगा, वो रिफंड में मिलेगा। यहाँ पे जाइए, यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे टेंडर आईडी देखिए, ये टेंडर आईडी है क्या वो सब, उसमें यदि आपको एक भी टेंडर आईडी दिखता है तो ये सब जो टेंडर आईडी है ये सब का पैसा आपको रिफंड हो गया है, यहाँ पे आप चेक कर लीजिए। आपको यदि यहाँ पे दिख गया वो टेंडर आईडी तो आपको पैसा वो रिफंड हो गया है, अदरवाइज मैं आपको बता देता हूँ और एक बार बाद में आप चेक कर लीजिए। यदि यहाँ पे वो टेंडर आईडी आपको यहाँ पे दिखता है नीचे वाले में येट टू बी प्रोसेस में, मतलब आपको ईएमडी पैसा मिलना बाकी होगा, और यदि यह सेटल हो गया है तो वो काम आपको मिल गया है, वैसा टेंडर यहाँ पे दिखता है। क्लियर, समझ में आया क्या? रिफंड में आपको ईएमडी रिफंड हो जाएगा, यहाँ पे वो काम आपको मिल चुका होगा, वो काम यहाँ पे दिखेगा, और जो प्रोसेस में है मतलब आपको ईएमडी रिफंड नहीं मिला या उसका कुछ भी नहीं हुआ है वो आपको प्रोसेस में दिखेगा। वहां पे क्लिक करने का सभी टेंडर आ जाता है, अपना आईडी वहां पे जाके चेक कर लीजिए, फाइंड आउट कर लीजिए कहाँ पे आपका वो टेंडर आईडी है, उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा किस टेंडर का पैसा आया और किस टेंडर का पैसा नहीं आया और किस टेंडर का पैसा सेटल्ड हो गया, मतलब डिपार्टमेंट के पास सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गया। सर वो काम पूरा पूरा हो गया है, उसका डिपॉजिट मिल गया है, लेकिन ईएमडी जमा हुआ है कि नहीं, वो नहीं जमा हुआ बोले। नहीं वो फिर आपको डिपार्टमेंट से पता करना पड़ेगा, वो यहाँ से नहीं पता होगा। दिखता है ना सर, आप दिखाई देना तो हाँ वो यहाँ से आप फिर चेक कर सकते हैं एक सिस्टम में डिफरेंट, कहे तो पर ये पूरा पूरा सर वैसा एक्यूरेट होता नहीं है मैडम, एक नॉर्मली आप चेक कर सकते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे टेंडर पिन आईडी कहाँ पे है, ये तीनों में वो आप एक बार चेक कर लीजिए किस जगह पे है आप आपका टेंडर दिखाइए आईडी। ना सर, मैं टेंडर आईडी बोलती हूँ ना सर, अरे आपको मैडम दिखाइए मैं उतना मुझे। सर्च नहीं करूंगा ना, आप वहां से फाइंड आउट कर लीजिए ना मैडम, मैं आपको बता रहा हूँ प्रोसेस बता रहा हूँ, आप देख लीजिए। अभी आप एक एक चीज बोलेंगे मुझे दूसरा है, और एक कोई आ गया बोलेगा वो टेंडर आईडी, आपने अभी 2-500 टेंडर बोला है, अब उसमें से मैं टेंडर आईडी कैसे फाइंड करता रहूंगा? मैं आपको सिस्टम बता रहा हूँ, आप उसमें से टेंडर देख लीजिए कैसा क्या करना है, मैं आपको प्रोसेस बता सकता हूँ जो क्या है कहाँ पे क्या क्या चीज है। अभी आप वो काम तो आप खुद कर सकते हैं ना, आप टेंडर आईडी ढूंढिए वहां पे, अभी यहाँ पे क्लिक करके वहां पे आप टेंडर आईडी, आपका टेंडर आईडी आप यहाँ पे सर्च करके देख लीजिए ना कौन कौन सा है। अभी 19 है, इसमें है क्या, इसमें नहीं है तो दूसरे में होगा, नहीं तो तीसरे में होगा। ठीक है बोलिए दूसरा, अभी किसका कंसर्न है? सर वो आपका नहीं है, 2015 में का है सर, पुराना है पूरा। मैडम टेंडर आईडी आपको ढूंढना पड़ेगा, यहाँ पे है क्या मुझे आप बता दीजिए तो भी मैं आपको बता दूंगा वो टेंडर आईडी आपको क्या हुआ है। यदि आप टेंडर आईडी यहाँ पे फाइंड नहीं कर सकते हैं तो मैं टेंडर आपके लिए फाइंड नहीं कर सकता मैडम, टेंडर आईडी मेरे को आईडी आप यहाँ पे सर्च करके मुझे बता दीजिए तो भी मैं आपको बता दूंगा इसका क्या हुआ होगा, टेंडर आईडी आपको फाइंड करना पड़ेगा। सर बोलिए मैडम, सर आप दूसरा किसी का कुछ क्वेरी है क्या?
सर बाकी लोग कुछ क्वेरी है क्या बाकी लोगों का? नो सर नहीं। और सर प्रैक्टिस करो, हमारा हमेशा रिकमेंड यही रहता है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उसके हिसाब से आपको उतना ज्यादा पता चलेगा। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप सब भूल जाएंगे दो दिन में, फिर भी हमारे पास है हमेशा, हम यही एक चीज बोलते रहते हैं कि हमारे रिपीट क्लास कभी भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको कभी भी कोई भी फीस नहीं लगेगा। जब चाहिए तभी आप रिपीट क्लास कर सकते हो, कोई चीज भूल गए सपोर्ट भी रहता है। हाँ सपोर्ट, प्रॉम्प्ट सपोर्ट के लिए थोड़ा इशू है, थोड़ा टाइम देंगे तो सपोर्ट में जरूर अवेलेबल करता हूँ, पर थोड़ा टाइम से एकदम प्रॉम्प्ट सपोर्ट नहीं मिल पाता है। थोड़े बहुत इश्यूज होंगे तो वो दत्ता है जिसके बारे में आपको सॉफ्टवेयर वगैरह का वो सब का आपको बता देगा। जो भी लिंक है, एक लिंक अभी दत्ता को बोला हूँ, आप वो लिंक भेज देगा, और जो पीडीएफ प्रोफेशनल का जो सॉफ्टवेयर का लिंक है वो मैं भेज देता हूँ, और सबके सर्टिफिकेट्स वगैरह मैं आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर दूंगा। और फिर भी आप लोगों को लगता है तो कल मैं क्लास में फ्री, एकदम फ्री मतलब मेरा कल कोई लेक्चर नहीं है, तो यदि आप लोगों को लगा किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो कल 10 बजे से लेके मैं ऑन करता हूँ सेम आईडी पे। यदि आपका किसी को कोई भी प्रॉब्लम रहा, सिर्फ प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे हम वहाँ पे। यदि आपने कोई प्रैक्टिस किया है, आपने मेहनत किया है, तो अभी मैडम जैसे बोल रही है कि आप सर्च करो, तो मैं ऐसा काम बिल्कुल नहीं करूंगा। आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा, और फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिला तो मैं जरूर आपको हेल्प करूंगा। तो आपको यदि कुछ लगा तो मैं फिर से कल 10 बजे लॉगिन होऊंगा। यदि आप लोग मेहनत करते हैं खुद से और आपको कोई टेंडर भरने में कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं आपको गाइडलाइंस वहां पे प्रोवाइड करूंगा 10 से 10 बजे से, जब तक आपका कल को 10 बजे से जब तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तब तक हम लोग 1x1 एनी डेस्क में लेके ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है सर? सर माइकल, तो मेरा भी डीएससी बनेगा ना, और जड़पी का लाइसेंस मतलब रेडी होएगा ना, तब मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी जड़पी का लाइसेंस नहीं है, डीएससी नहीं। आपको बता रहा हूँ, जो लोग के पास है उन लोग कीजिए, आपके पास अभी नहीं है, आप जब बनाएंगे उसके बाद आप चाहो तो एक क्लास अटेंड कर लीजिए। आप एक अटेंड कर लीजिए। कैसे मतलब, अभी जेडपी का भी लाइसेंस निकलेगा ना, तो मतलब मैं खुद का खुद भर सकता हूँ, प्रैक्टिस अच्छे से कर सकता हूँ, दूसरे का उसमें आपको निकाल हो जाएगा। और तब तक यदि आपका ऑफलाइन क्लासेस चालू हो गया तो आप ऑफलाइन अटेंड कर लीजिए। आप कहाँ से बोल रहे हैं? तो आपको वासी नजदीक होगा, वासी में अपने हर महीने में नियर टू वासी, मतलब एकदम नजदीक नहीं होगा, फिर भी आपको वो ज्यादा रूटीन है उधर से, बहुत रूटीन है। तो आप वहाँ पे अटेंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वहाँ पे अपना दो दिन का सेमिनार होता है, आप वहाँ ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करके आपके डाउट्स भी क्लियर करके जाइए, और आपको लगता है कोई टेंडर भरने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मेरे से टेंडर भरवा के भी लेके जा सकते हैं। मतलब मैं भर के नहीं दूंगा, पहला चीज टेंडर भरना आपको ही है, आपको जहाँ पे हेल्प लगेगा मैं आपको वहाँ पे हेल्प प्रोवाइड करूंगा। मैं टेंडर भरवा के लेके जाऊँ, मतलब बहुत लोग ऐसा करते हैं सर यही टेंडर ले लो आप लोग, मैं ये क्लास में फिर से और एक चीज रिपीट करता हूँ, मैं टेंडर किसी को भर के नहीं देता, आपको टेंडर खुद करना है। आपको जहाँ पे प्रॉब्लम होगा वहां पे मैं सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा, पर भर के देने का काम नहीं करता शुरू से लेके लास्ट तक। यदि कहीं पर आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए फाइंड आउट कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं डॉक्यूमेंट्स आपको निकाल के दूंगा, ये डॉक्यूमेंट्स है। आपको प्रिपरेशन में प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको बता दूंगा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, इसके हिसाब से ऐसा ऐसा कीजिए, पर मेहनत आपको करना है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आप नहीं सीखेंगे, ऐसे रह जाएंगे। मैं एक टेंडर भर के दे सकता हूँ, मेरे लिए टेंडर भरना या मैडम जो बोल रही है वो 2 मिनट का काम है, पर मैं करूंगा तो मैं ही करूंगा, आप वो चीज कभी नहीं सीख सकते। ठीक है, फिर हम लोग सेशन को एंड कर रहे हैं। मैडम आपको यदि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप यदि आपको वो टेंडर आईडी मिल जाता है तो उसका फोटो निकालिए या वीडियो निकालिए और व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए, मैं आपको बता देता हूँ उसका डिटेल्स कैसा क्या रहेगा। हाँ ठीक है, पर फाइंड आउट आपको करना है, और मुझे इसका रिजल्ट भी चाहिए।
मैं कल फिर 10 बजे सेशन अटेंड करूंगा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो आप खुद कर रहे हो, आप मतलब आप मुझसे पूछ लीजिए, पर मेहनत आपको करना है, आप मेहनत नहीं कर रहे हो, नहीं पूरा का पूरा आप मुझ पे डाल देते हैं, चलो आप ही कर दो सर, आप खुद अभी बोला था आपको टेंडर पढ़ने के लिए, आपने पढ़ा नहीं, दो टेंडर आपको 2 दिन से बोल रहा हूँ, टेंडर पढ़ा गया भर पढ़ा नहीं, आपने टेंडर भर के प्रैक्टिस भी नहीं किया, एक टेंडर आपने डमी क्यों नहीं भर लिया, जब तक आप खुद से नहीं करेंगे, टेंडर पढ़ने के लिए बोला था, एक टेंडर पढ़िए, पढ़ने के बाद प्रैक्टिस कीजिए, उसका डॉक्यूमेंट्स बनाइए और टेंडर को भरिए, चलेगा? फिर मैं आज का क्लास यहीं क्लोज करता हूँ, कल 10 बजे मुझे यदि कुछ डाउट्स रहा तो आप लोग फिर से आके अटेंड करके अपने डाउट्स का क्लियर कर सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो ही आने का कल के डाउट्स की क्लास में, अदरवाइज नहीं। ठीक है, बाकी सर, अभी जो लिंक आया, क्या बोले सर, अभी ग्रुप में एक लिंक आया है, उसमें पूरे आपको जितने सॉफ्टवेयर है जो भी है अपने नोट्स है सब, वो लिंक में सब कुछ है आपके पास, आप मेरा एक्सेस ले सकते हैं 5 मिनट के लिए, एक्सेस नहीं मिल रहा है क्या, नहीं आप क्या मेरा एक्सेस 5 मिनट के लिए, हाँ बोलिए दीजिए ना, मैं ये क्लोज करता हूँ, वन वन एक मिनट